بسم الله الرحمن الرحيم. رسول نانا بابا علی अजय भी पूछ नैन हुसैन किए, रसूल नाना बाबा लिए, अजय भी पूछ नैन हुसैन किए, रसूल नाना बाबा हुसैन की है। मैं पूछया करबो बला दे कोनो, तप दे होए सहरा दे कोनो, दस न मेरा हुसैन की है, दस न मेरा हुसैन की है। आवाज आई इजाज कमला, सर कटाया न कीता सी है, अजे भी पूछना हुसैन की है, रसूल नाना बाबा लिए, अजे में पूछना हुसैन किए, जिस दा पानी है बंद कीता, उन्हें नबी दानो आप पीता, जिस दा पानी है बंद कीता, उन्हें नबी दा लुआब पीता, नहर फुराती दा पानी की है, अजे भी पूछना हुसैन की है, रसूल नाना बाबा लिए, अजे भी पूछना हुसैन की है। अम्मी जिस दिन नबी दी थी है, अजे भी पूछना हुसैन की है। मैं पूछ तपते होए सहरा ते कोलो, दस न मेरा हुसैन की है, आवाज आई इजाज कमला, सर कटाया न कीता सी है, अजे भी पूछना हुसैन की है। अम्मे जिस दी नबी दी थी है, अजे भी पूछना हुसैन की है। हर किस्म दी तारीफ हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते खास है। दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, बुलंद आवाज नाल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक जात वास्ते। पूरे खुतबे अंदर, पूरे बयान अंदर सिर्फ इको जुमला तुसी बोलना हुंदा है दुरूद वाला, ते इस अंदर कंजूसी ना करया करो। दुरूद नू सुबह शाम उठदिया बैठदिया अपनी आदत बनाओ, अपना जिक्र बनाओ। दुरूद ऐसा जिक्र है, ऐसी चीज है
महबूब अली सलातो सलाम ने फरमाया कि एक बंदा सारा दिन दुरूद पढ़ता रहे ते कोई भी दुआ ना करे, रब नू पता है कि इस बंदे नू की चाहिदा है, रब दुरूद दी वजह तो बिन मंगिया सारिया मुरादा पूरिया कर। इस वास्ते नबी अली सलातो सलाम दा जदो भी नाम आए आप दा इस्मे गरामी आए ते गज वज के मुहब्बत नल जरा चूम के दुरूद पढ़या करो। ये दुरूद किसे खास फिरके नाल इसका तल्लक नहीं, इसका तल्लक है गैरत नाल, शर्म नाल, ईमान नाल, मुहब्बत नाल, इश्क नाल, प्यार नाल, जुनून नाल। ते जेड़ा भी अपने आप नू नबी दा सच्चा उम्मती समझदा है, नबी नाल प्यार करदा है, नबी वास्ते एक तोहफा है, एक हदिया एक उम्मती दी तरफों अपने नबी वास्ते दुआ करनी है। इस वास्ते शर्माया ना करो कि मेरा सज्जे खब्बे आला की कहेगा, उच्ची आवाज नाल सोहनी तरह रब नू राजी करन दी खातर जदों भी सोहने नबी दा नाम आवे ते अपने नबी ते मुहब्बत नाल दुरूद पढ़िया करो। एक बारी बरकत नाल पढ़ लो, जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात वास्ते और उन्हां दी आल वास्ते। हजरते जीवकार अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक नवासे रसूल शहीद करबला गुलस्तान रसूल नबी अली सलातो सलाम नू जिन्ना दे नाल सब नालों ज्यादा अगर किसी बच्चे दे नाल मेरे नबी ने प्यार किया ते उन्हां दे नाल किया, जिन्हां नूं मेरे नबी दे कंधियां दी सवारी भी नसीब होई, जिन्हां नूं अपनी प्यास नूं बुझाण वास्ते मेरे नबी दा लुआब नसीब होया। दुनिया दे पानियां अंदर ओह ज़ैके नहीं होणगे, खुशकिस्मती हुसैन दी है जो नबी दा लुआब चूस के अपनी प्यास नूं खत्म करके उन्हां दी शान दे हवाले नाल और उन्हां दी शहादत दे हवाले नाल जो बड़ी ही मजलूमाना अंदाज अंदर हुई है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करांगा, मैं गल ओ करां जो कुरान और हदीस तो साबित होवे, जो सही सनद दे नाल बात साबित हो। मैं तुहाडा वक्त नहीं जाया करांगा, एदू गल पकड़ के उस साइड तो गल पकड़ के एदू आई ओदे चली गई, इंज दियां मैं गल्लां करन दा आदी नहीं, गल ओ करांगा जो बर हक होएगी साबित होएगी और हर बात दा सबूत देण वास्ते मैं पूरी जिंदगी इंशाल्लाह हाजिर। लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा इख्तलाफ पाया जाता है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो दी शहादत दा मजलूमाना शहादत दा जदों जिक्र किया जाए कुछ साडे नदान साथी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो दी शहादत नू बयान करके, हालांकि वह भी बड़ी मजलूमाना शहादत है, ते लोगां दे सामने ज्यादा उसनू उजागर करन दी कोशिश करदे ने, शहादत हुसैन नू नीचा करन दी कोशिश करदे नदानी दे अंदर जान बुझ के। लेकिन एक बात मैं कह देवां, जितनी मजलूमाना शहादत मेरे हुसैन दी है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो नू घर दे अंदर शहीद किया गया ते कल्यां नू शहीद किया गया, मेरे हुसैन नू परदेस अंदर शहीद किया गया ते घर दे सारे अफराद नू शहीद किया, पूरा कुंभा शहीद किया गया मेरे हुसैन दा। तो जो फजीलत मेरे हुसैन दे हिस्से अंदर आईया ने किसी होर दे हिस्से अंदर नहीं आई। आओ तवज्जो करो और एक बात और ज़हन नशीन कर लो, मैं हुसैन दे नाम दी सबील नहीं लगांदा, मैं हुसैन दे नाम ते चंदा इकट्ठा नहीं करदा, ते इसका मतलब ये नहीं सानू हुसैन नाल प्यार नहीं, उस बंदे दा ईमान ही कामल नहीं जिस बंदे नू हुसैन नाल प्यार नहीं, जिस बंदे दे दिल अंदर बुगज आ गया मेरे हुसैन दे हवाले नाल, समझ लो उस बंदे ने नबी दे हवाले नाल अपने दिल अंदर बुगज पैदा कर लिया। हुसैन नाल बुगज नबी नाल बुगज है, हुसैन नाल प्यार नबी नाल प्यार, साडे ईमान दा हिस्सा है, साडी जान दा हिस्सा है, जान नालों बढ़ के हजारां जाना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहो दी जुतियां तू कुर्बान ने और वार देइए, असी तां वाले हाना और अपनी जान नालों ज्यादा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहो हजरत हसन पूरे अहले बैत नाल प्यार करने आ, अहले बैत नूं छड़िया गुजारा नहीं हुंदा, अहले बैत नू छड़िया गुजारा नहीं हुंदा, अहले बैत नू कुरान अंदरू किवें कढ सकोगे,
कुरान छड़ दोगे अहले बैत नाल प्यार करना उन्हां नूं मनना ए कुरान है शरीयत है दीन इस्लाम ईमान है अल्लाह सानू सारिआं नूं अहले बैत दी मुहब्बत नसीब फरमाए और मेरा ईमान है कि कोई भी फिरका मुसलमान मुसलमान जो भी है वो कोई भी दिल अंदर अहले बैत दे हवाले नाल बुगज नहीं रखदा शकूक व शुबहात ने हर एक बंदे दा मुहब्बत करन दा अपना लेवल है अपना अंदाज है ते लोगां अंदर ना गलतफहमी पै जांदी है वो समझदे ने कि शायद जिवें असीं करने आ ना मुहब्बत दा इजहार एवें दूजे नहीं करदे ते इन्हां नूं शायद प्यार ते मुहब्बत है ही नहीं इंज नहीं है हर बंदे दे इजहार दा अपना तरीका है मुहब्बत का अपना अंदाज है हाँ असी बिदात तू खुराफात तो बच के अहले बैत नाल प्यार और मुहब्बत रखने आ और अपनियां नस्लां अंदर भी इंशाल्लाह असी ये कम कर जावांगे साडा बच्चा बच्चा अहले बैत नाल प्यार ते मुहब्बत करेगा और उन्हां ते मर मिटन वास्ते तैयार होएगा अल्लाह सानू सही मानिआं दे अंदर उन्हां दा पैरोकार बनाए अहले बैत दे दुश्मनां ते दुनिया ते भी लानतां ते आखरत अंदर भी लानतां ने अल्लाह उन्हां दे दुश्मनां तों सानू भी महफूज फरमाए और सही मानिआं दे अंदर अहले बैत मुहब्बत साडे सीनियां दे अंदर पवस्त फरमाए हशर वाले दिन अल्लाह सानू अहले बैत दे नाल खड़ा फरमाए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਲਸਤਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक नबी फरमांदे ने इन्नल हसन वल हुसैना रिहानता या फिर दुनिया ओ कायनात वाले ओ दुनिया दे अंदर बड़े बड़े खूबसूरत फुल ने किसे दी पसंद केड़ा फुल ले किसे दी पसंद केड़ा फुल ले मेरे पाक नबी घर दे अंदर दाखल हुंदे हजरत तो जहरा रजी अल्लाह तआला अनखा दे कोलों हजरत हसन ते हुसैन नो इंज अपने गोद अंदर अपने खत्ता ते उठा लेंदे मेरे आका बोसा भी लिया कर दे ते सुगया भी कर दे नाल मेरे नबी फरमांदे हसन ते हुसैन दोवें मेरे फुल ने हसन ते हुसैन दोवें मेरे फुल ने अल्लाह अकबर अल्लाह हुसैन मैं अदा तू सदके हुसैन दी मैं वफा तू सदके ओ जेड़े भूखे तू मंगता रे आए ओ भूखे वाले खुदा तू सदके हुसैन दी मैं अदा तू सदके हुसैन दी मैं वफा तू सदके सवारी जिस दी रसूल बन दे ओ जेड़े आका दे फूल बन दे ओ फूल आला है सारे जग तो ओ फूल दी मैं फिजा तू सदके हुसैन दी मैं अदा तू सदके हुसैन दी मैं वफा तू सदके हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो मैं की शाना बयान करा तवज्जो करो शाना बयान ते मेरा सोना नबी कर गया है अपनी सोनी वखी वाली जुबान अंदरों हजरात अज कोई बच्चा पैदा होवे मामू नाम रखदा है दादा रखदा है नाना रखदा है चाचा रखदा है मां रखदी है भैणा रखदियां ने ताइयां मासियां पुपियां दोस्त यारां दे अंदरों हजरात अपने भतीजे दा बेटे दा पांजे दा नाम रखिया जांदा है आओ मैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दी शान दे हवाले नाल जेड़ी बात तुहाडे सामने रखना चाहना दिलों खुश हो जाएगा मैं क्यों ना मन्ना हुसैन नो मैं क्यों ना सलाम करा हुसैन नो हजरत हुसैन जदों पैदा होए मेरे पाक नबी आके हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھ دینے اس میرے بیٹے دا نام کی رکھے آئے حضرت علی فرمان دینے میں اپنے اس بیٹے دا نام جعفر رکھے آئے میں اپنے بیٹے دا نام جعفر رکھے آئے آقا فرمان دینے نہیں نہیں میرا پیارا علی اللہ دا آڈر آ گیا ہے اللہ دا حکم آ گیا ہے سونے آکی آڈر آیا ہے آقا فرمان دینے رب نے مینو آکھے آئے میرے اس بیٹے دا نام آقا فرمان دینے میرے اس بیٹے دا نام اللہ دی طرفوں حسین رکھے آ گیا ہے حضرات جس دا نام رب سلیکٹ کرے رب رکھے اس دی شان دے کیا کہنے اس دی عظمت دے کیا کہنے اللہ کو اکبر اللہ حضرات جڑی روایت میں دسیئے مسند احمد اندر صحیح روایت حضرت حسین دا نام رب نے سلیکٹ کر کے پسند کر کے رکھے آئے کون میرا حسین اللہ کو اکبر اللہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرات میرے نبی دا بڑا پیارا صحابی بیان کر دینے کہن دینے ایک دفعہ میرے آقا ساڑھے نال جا رہے مدینے دیا گلیاں دے اندر میرے آقا ساڑھے نال جا رہے نے اچانک سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے اپنے ہم عمر بچیاں دے نال کھیل دے پہنے علی مدینے دیئے حضرت حسین کھیل رہے میرے نبی دی نظر پہ گئی محبت نے جوش ماریا میرے آقا تھوڑے جے تیز ہو گئے یعنی اثر برابر دے چل رہے سا نبی نے سانو پیچھے چھڑیا آپ تھوڑے اگے بڑھ گئے جلدی دے نال جا کے حضرت حسینو پکڑیا ایک ہاتھ میرے نبی نے سر تے رکھیا دوسرا ہاتھ میرے نبی نے ٹھوڑی تے رکھیا حضرت حسین دا چہرہ اینج دو میں خطہ دے اندر لے گئے فرمان دینے یو زاہق النبیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضرت حسین نو ہسا رہنے حضرت حسین نال کھیل رہنے میرے آقا نے جدوں چھڑے آئے حضرت حسین دوڑ لائی میرے آقا نے اگو دی دوڑ لائی حضرت حسین کی دے اینج دوڑ دے کی دے اس سیڑ دے اینج دوڑ دے میرے نبی بچیاں دے نال مدینے دی گلی دے اندر حضرت حسین نال کھیل رہنے اللہ اکبر اللہ توجہ کرے آج حدیث دے الفاظ نے حضرت یعلا بن مرہ فرمان دے نے میرے پاک نبی نے اس وقت تین جملے بولے تین حدیثاں تین جملے تین فرمان آقا فرمان دے نے فرمایا حسین منی وانا منو حسین او لوگوں یاد رکھے آج حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں حسین میرا ہے میں حسین داواں اگلا جملہ سنو آقا فرمان دینے احب اللہ من احب الحسین اللہ اس بندے نال پیار کرے گا جیڑا میرے حسین نال پیار کرے گا اللہ اس بندے نال محبت کرے گا جیڑا میرے حسین نال محبت کرے گا نال میرے پاک نبی نے دعا فرمائی آقا فرما دینے اللہ انی احبو ہو فاہبا ہو عرش والے عربا تو تے میرا دل جاننا ہے اللہ دل دی کفیت نو جاننا ہے اے میری چھوٹی بیٹی فاطمہ دا بیٹا میں نو تے بڑا پیارا ہے اللہ میں اے دے نال محبت کرنا ہوں کائنات دے عربا میں دعا کرنا ہوں تو بھی اس نال محبت فرما نال میرے نبی دی دعا ہے جیڑا بندہ میرے حسین نال پیار کرے گا عرش والا عہدے نال پیار کرے گا
जेड़ा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल प्यार करे उस नाल रब में प्यार करदा है। तवज्जो रखियो सहाबी रसूल बयान करदा है कहंदा एक दफा हजरत हुसैन इंज चलदे चलदे मस्जिद दे अंदर आ गए मेरे नबी दी नजर पै गई। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा अगर किसी ने जन्नत दा मेहमान तकना है अगर किसी ने जन्नत दा शहजादा तकना है आ वेखो मेरे हुसैन नु तक लो मेरा हुसैन ते जन्नत दा मेहमान है। हजरात इत्थे ही बस नहीं बल्कि आका फरमांदे ने अल्लाह सुल जलाल दे कोलों एक फरिश्ते ने इजाजत मंगी कहंदा कायनात या रब्बा मैं दुनिया ते जाना है मैं मदीने जाना है मैं शहर मदीना तक ना है मैं तेरे नबी नाल मुलाकात करनी है मैं तेरे नबी नू सलाम करना है। ए फरिश्ता रब कोलो इजाजत मांग रहा है। हदीस अंदर मौजूद है सही हदीस है हवाला गलत नहीं हदीस ज़ैफ नहीं। हजरात फरिश्ता कहंदा रब्बा मैं मदीने दे अंदर तेरे नबी नाल मुलाकात करना चाहना रब ने इजाजत दे छड़िया फरिश्ता जमीन ते आया नाल मेरे रब दा पैगाम लेके आया पैगाम की मिलया फरिश्ता आके कहंदा सोनिया अल्लाह फरमांदे ने जदों हशर दा दिन होना है जदों लोगां ने जन्नत दे अंदर जाना है अल्लाह जुल जलाल ने मंजर की दसया है फरमाया मेरा सोना तेरी सब तो छोटी बेटी हजरत फातिमा कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह फरमांदे ने जन्नत दे अंदर जितनिया भी औरतां होनगियां मैं सारिया दा इसनु सरदार बना छड़या है जनती औरतां दी सरदार फातिमा जनती औरतां दी शहजादी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाल फरिश्ता कहंदा है इन्नर हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अखलिल जन्ना अल्लाह ने हसन ते हुसैन नो जन्नत दे नौजवाना दा सरदार बना छड़या है। नबी के पसीने से फूल बनते हैं नबी के पसीने से फूल बनते हैं उनके नक्शे पास उसूल बनते हैं। अरे क्या शान है जहरा के बेटों की जिनकी सवारी रसूल बनते हैं। हजरात गल मैं दसना चाहना मेरे पाक नबी नमाज पढ़खा रहे ने नमाज पढ़खांदिया मेरे आका ने सजदा लंबा कर चढ़िया सजदा लंबा हो गया। सहाबी कहंदे ने असी परेशान हो गए इतना लंबा सजदा मेरे नबी ने कदे कीता नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह जदो नमाज खत्म हुई आका फरमांदे नु मेरे जान सारो तुसी सोचदे होवोगे इतना लंबा सजदा क्यों होया इस वजह तो होया है मैं सजदे दी हालत अंदर सा मेरा हुसैन आया है मेरी कमर ते सवार हो गया मेरा दिल नहीं कीता मेरा मन नहीं कीता मैं सजदे तो सर उठा लवा फर्जी नमाज जमात दी हालत है ते नबी सजदे हो सर नहीं उठांदा किस वजह तो मेरा हुसैन मेरी कमर ते सवार है। ओ जेड़ा नबी हुसैन दा कमर तू गिरना गवारा नहीं करदा ओ नबी करबल दे अंदर गिरना किवें गवारा कर लवे घोड़े तू गिरना किवें गवारा कर लवे उन्हां दियां कबरां नूं अल्लाह अग दे नाल भर देवे जिन्ना मेरे हुसैन नूं शहीद कीता जिन्ना नबी दे खानवादे ते हमला कीता जुल्म कीता तशद्दुद कीता
ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਖਾ ਲੇ ਮਸ਼ਕੀ ਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਉਠਾ ਲਏ ਸਹਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂਸੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂਸੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਰਬਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਗੱਦਾਰ ਸਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੁਆਬ ਚੁਸਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਰਬਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੱਟ ਘੜੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਹੋਈ ਤੋ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਟਣਾ ਕਰਬਲਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੌਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਪਰਦੇਸ ਅੰਦਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਾਂ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਤਖਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਿਆਓ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਹੈ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਲਿਲ ਜੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜੰਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਟਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਉਸਮਾਨੋ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੁੰਬਸ਼ ਆਈ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਾੜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ
मेरा हुसैन हक सी मुकाबले अंदर आने वाले बातल सातल कोई मुकाबला नहीं कोई बहस नहीं मुबासा नहीं बात खत्म है जिन्ना जिन्ना ने मेरे हुसैन नाल जुल्म कीता असि दुआ करने आ उन्हां दीआं कब्रां अग दे नाल भरियां जान दुनिया ते भी लानती ने आखरत अंदर भी लानती मेरे नबी ने फरमाया जिन्ने मेरे हसन हुसैन नाल बुग़्ज़ रखिया उस बंदे ने मेरे नाल बुग़्ज़ रखिया जिसने इन्हां नाल मुहब्बत कीती उसने मेरे नाल मुहब्बत कीती और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दी शहादत नू इस रंग दे अंदर बयान करना कि सारा मजमा ही रो पवे मौलवी साहब भी रो पवन जाकिर साहब भी रो पवन हर बंदा रोंदा नजर आए हुसैन दी शहादत ते सबक नहीं देंदी मेरा हुसैन अपने जवान बेटे दी करबल अंदर लाश वेख के नहीं रोया हुसैन दी शहादत रोवण दा नहीं बहादुरी दा सबक देंदी है हुसैन दी शहादत लड़न दा सबक देंदी है हुसैन दी शहादत हक ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰਬਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਇਸਤਕਾਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਬੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦਲੇਰ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਡਗਮਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ बेटे नु कटिया गया हजरात कितने लाशें उठाए गए लेकिन हुसैन दे कदम डग मगाए असी उन्ना दे पैरोकार असी उन्ना दे पीछे चलन वाले हां जवान बेटे दी लाश उठा के जेड़ा हुसैन रोया नहीं उसकी शहादत बयान करके असी रोंदे नहीं असी ओ बड़े फखर दे नाल कहने हां ओ जिन्ना जालिमां ने हजरत हुसैन दा मुकाबला कीता हजारां दे अंदर सन मेरा हुसैन 72 लेके गया सी असी फखर नाल कहने हां 72 दा मुकाबला जचदा नहीं लेकिन मेरे हुसैन ने करके दुनिया की तारीख नु साबित करके दस है जो लड़ाई का इरादा होवे फिर अपराध नहीं वेखे जाते लड़े ने डट के मुकाबला किया तेरी तारीख की आती है तेरी तहकीक की आती है मैं इस बात का कायल नहीं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दी शहादत नु बयान करके फिरका वरियत फैलाई जाए सहाबा ते तान कीता जाए सहाबा दे बारे तबर्राबाजी कीती जाए या मुखालिफ फिरकियां दे उपर कीचड़ उछालिया जाए सारे हुसैन नाल प्यार ते मुहब्बत करदे ने साडा यजीद नाल कोई असी हमायती नहीं असी यजीद दे पैरोकार नहीं असी हुसैन दे पैरोकार जेड़ा बनना चाहता यजीद का पैरोकार खड़ा होकर दुआ करे मेरे सामने सारे मजमे के सामने पता चले दुआ करे हशर वाले दिन होंदा हशर यजीद दे नाल होए तो साडा हशर हुसैन दे नाल उस दी हुकूमत सी उस नूं पता नहीं सी छड़ दियो सारियां गल्लां बात सिर्फ इतनी है नबी दे खानदान नूं करबल दे मैदान अंदर धोखे दे नाल मजलूमाना शहीद कीता गया जिस जिसने हिस्सा लिया दुनिया ते भी लानती बन गया आखरत अंदर भी लानती जो भी उस दे अंदर शामिल असी किसे नूं नामिनेट नहीं करते जो भी शामिल ते जिन्हां दे नाम आए ने सही साबित ने उन्हां दे नाम ते ले सकदे अल्लाह अकबर मेरे पाक नबी बैठे ने गमजदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोई जा रहे सहाबी रसूल बयान करदा है कहंदा मैनु ख्वाब आया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अब्बास कौन ने पला हजरत अब्बास कौन ने नबी दे खानदान नबी दे चाचा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो ए भी मेरे नबी दा खानदान ख्वाब आया सहाबी रसूल नु कहंदे ने दोपहर दे वक्त मैं आराम कर रहा सा ख्वाब दे अंदर मेरे पाक नबी आए मेरे आका दा रंग उड़िया उड़िया परेशान ने हजरात मेरे नबी दे हाथ दे अंदर एक शीशी है जिस दे अंदर मेरे नबी खून दे कतरे जमा कर रहे सहाबी कहंदा मैं पूछया सुनया
खून कादा है जिस नू जमा कर रहे हो, बड़े परेशान पे लग दे हो। आका फरमांदे ने मेरे सहाबी ए मेरे हुसैन दा खून है और मेरे हुसैन दे साथियां दा खून है। मेरे नबी परेशान ने, हजरात तवज्जो रखे हो। रावी कहंदे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अनहु मेरे पाक नबी दा कजन लगदा है, मेरे नबी दा सहाबी है। कहंदा मैं उस दिन नू नोट कर लिया, उस दिन नू नोट कर लिया, तारीख नू नोट कर लिया। फिर जदों करबल दा मैदान सजया, हजरत हुसैन नू अशूरा वाले दिन 10 मुहर्रम नू शहीद कीता गया, ते मैं ओ दिन वेख्या उस दिन जिस दिन मैनू ख्वाब आया मेरे आका दी ज़ियारत हुई। उस दिन मेरे हुसैन नू करबल दे मैदान अंदर कटिया गया। समझ आया मेरे नबी दी ज़ियारत ख्वाब अंदर होवे ते हकीकत हुंदी है, क्योंकि मेरे आका फरमांदे ने तैनू ते मैनू मुशाबा ते लग सकदा है, लेकिन सहाबी रसूल नू मुशाबा नहीं लग सकदा, क्योंकि जिसने दिन रात मेरे नबी नू तकिया होवे वो बंदा नू किवें मुशाबा लग सकदा है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अनहु फरमांदे ने मैं नबी नू ख्वाब अंदर वेख्या, ते आका फरमांदे ने जिस बंदे ने ख्वाब अंदर मेरी ज़ियारत कीती उसने मेरी ज़ियारत कीती, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल बन सकदा, शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकदा। हदीस ठीक है, सहाबी दा ख्वाब भी सच्चा है। हजरात एक चीज मिल गई, एक बशारत मिल गई, इस चीज दे दलील मिल गई हजरत हुसैन की शहादत के हवाले नाल। आओ दूसरी दलील सुनावा, हजरत अब्दुल्ला बिन नुजई रजी अल्लाह तआला अनहु बयान कर दे। कहते मैं हजरत अली दे नाल गुजर रहा सा फुरात दे किनारे ते, फुरात दे किनारे ते सामने करबल दा मैदान है। हजरत अली ने ऐसे करबल दे मैदान वाल चेहरा करके, करबल दे वाल मुंह करके कहन लगे या अबा अब्दिल्ला इसबिर इसबिर। हजरत ज़रावी कहंदा मैं पूछया अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अनहु दे कोलों किस नाल गुफ्तगू कर रहे हो, किस नू सबर दी तलकीन कर रहे हो। हजरत हजरत अली फरमांदे ने मैं अपने बेटे हुसैन नू सबर दी तलकीन कर रहा वा। हजरत हुसैन अजे शहीद नहीं होए, अजे ते मेरे नबी भी जिंदा ने, मेरे पर भी मेरे नबी भी हयात ने। हजरत मेरे नबी दे रिहलत तो बाद, मेरे नबी दे विसाल तो बाद 50 साल बाद ये वाकया पैदा रूनमा होया। हजरत हजरत अली फरमांदे ने, हजरत अली फरमांदे ने मेरे पाक नबी दे जावन तो बाद हजरत अली जदों चले गए नजद वाली साइड ते, ते कहन लगे लोगों मैं अपने नबी दे नाल, मैं नबी नाल गल कीती, आका दे कोलों पुछया किस वक्त पुछया मेरे पाक नबी, मैं गया ते वेख्या आका अली सलातो सलाम परेशान बैठे ने, बल्कि मेरे आका रोई जा रहे ने, रोई जा रहे। हजरत अली फरमांदे ने आ गज़ाबा का आहदुन, ओ मेरा सोना तुसी परेशान क्यों रोंदे क्यों। आका फरमांदे ने मेरा अली मेरे कोल जिब्राईल आया है, आके जिब्राईल ने मैनू मेरे नवासे हुसैन दी शहादत दी खबर दित्ती है, ते नाल जिब्राईल कहंदे ने सोणिया अगर तुसी कहो तो मैं तुहानू उस जगह दी मट्टी वखा देना, उस जगह दी मट्टी तुहाडे सामने कर देना। मैं वेख्या सुरख मट्टी उस मैदान दी, मैं उस मट्टी दी भी ज़ियारत कर ली है, वेख लिया है। हजरत मेरे पाक नबी हजरत हुसैन दी शहादत दी खबर सुन के रोई जा रहे, किस कदर जुल्म होएगा जदों मेरे नबी दे खानदान नू धोखे दे नाल बुला के दूर दूरा सफर परदेसां दे अंदर धोखे दे नाल शहीद कीता गया होएगा। हजरात सोचन वाली बात एवे, जदों मेरे हजरत हुसैन नू बुलाण वालिया ने बुलाया कूफे दे अंदर, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, बड़ियां रवायतां, बड़ा इख्तलाफ, बड़े रोले, बड़े झगड़े, मैं उन्हां सारियां गल्लां दे अंदर नहीं जाना चाहता। बात मुक्ति मुक्ति करा जिहड़ी तैनू समझ आ जावे, जिहड़ा हासिल कुछ हो जावे। हजरत हुसैन नू बुलाया गया कई हजार खत दे भेज के, हजरत हुसैन ने सारे खत समेटे, खत समेट के ते रवाना हो गया। पता चलिया जेड़ा पहले गया सी उसनू भी शहीद कर दिता गया, लोग गद्दारी कर गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह
वापस जावन लग गए। जिन्ना दा बाप शहीद होया सी कहन लग गए असी ता बाप दा बदला लियो बगैर जाना नी चलो साडे नाल। गैरत वाला कायद होवे गैरत वाला लीडर होवे इंज नहीं करया करदा। हजरत हुसैन ते फिर गैरत वाले हजरत हुसैन ते मेरे नबी दा खून है। रवाना हो गया जदों करबल दा मैदान आया फौजा आ गईयां। हजरत हुसैन जदों खेरे दे अंदर आ गए मुकाबले दे अंदर भी ओ आ गए जिन्ना ने खत लिखे सन सारे ते सारी कूफी मुकाबले दे अंदर। हजरत हुसैन ने उन्हां सारिआं दे अंदरों एक एक नूं मुखातब करके जो सदा खत कढ़िआ ते खत विखाया ओ बदबख्ता आवेख तेरा खत मेरे कोल मौजूद है हुण तेरियां वफावां खिदे गईआं। डर गया है डर गया है उबैदुल्ला बिन ज़ियाद बदबख्त कोलों डर गया है हुण तेरियां वफावां खिदे गईआं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ओ सारे चोलियां दे अंदरों खत कढ़ कढ़ के इन्हां सारे कूफियां नूं मुखातब कीता। कहन लगे क्या मैं ओ हुसैन नहीं हां जिन्हों नबी ने अपने कंधियां ते चाया है। क्या मैं ओ हुसैन नहीं हां जिन्हों नबी ने अपना लुआब चुसाया है। मैं नबी दा नवासा अली दा बेटा फातिमा दा जिगर हां। क्या मैं ओ हुसैन नहीं हां ओ जिन्हों नबी ने जन्नतियां दा सरदार आख्या है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा दर्दनाक खुतबा दिता है करबल दे मैदान अंदर। अल्लाह वाले ने तर्जमा किया है ते कहंदा की है मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। अपनी मर्जी दे नाल ते इंज नहीं आया लड़न वास्ते अपनिया बेटियां नू अपनिया बीवियां नू अपने बच्चियां नू कौन लैके आंदा है। मैं लड़ाई दे बहाने नहीं लड़ाई दे इरादे नाल नहीं आया मैं ते तुहाडे ते तबार करके आया। ऊचे कूफा वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मैं मेहमा बना कर सताया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। क्यों कर रुलाया ओ घर में बुला कर ये इंसाफ होंगे महशर में जाकर मेरी अजमतों को क्यों मानते नहीं मैं जन्नत का सरदार बनाया गया हूँ। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी जंग हुई हजरत हुसैन दी लड़ाई हुई मुकाबले दे अंदर धोखेबाज आए मुकाबले दे अंदर बेईमान आए मुकाबले दे अंदर गद्दार आए मुकाबले दे अंदर बातल आया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत तो पहला छोटे छोटे बच्चियां दे लाशें गिरे जवाना दे लाशें गिरे सब तो पहले हजरत हुसैन दियाल नू मब करबल दे मैदान अंदर कटिया गया है। हजरात बीबियां भी ने बच्चे भी ने नौजवान भी ने। मैं सदके जावा हुसैन तो मैं सदके जावा जिगरे तो मैं सदके जावा दलेरी तो मेरे हुसैन दे सामने सारा खानदान कटिया जा रहा है लेकिन मेरे हुसैन ने कंप्रोमाइज किया। लोग कहते ने भी एक अफसाना है साढ़े बहुत बड़े शेख मुहक्किक जुबैर अली सही रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए चंद दिन पहले। ओ कहंदे ने जिहड़ी रवायत लोग पेश करदे ने बिल्कुल
झूठे ज़ईफ केड़ी रवायत लोग कहते ने हजरत हुसैन ने आख्या इंज करो तीन गल्ला मेरिया मन लो पहली गल मैनू यजीद को जान दो दूसरी गल है बार्डर ते जान दो तीसरी गल है मैनू वापस जान दो मदीने दे अंदर कहते ने रवायत ज़ईफ नहीं समझ आती हजरात फिर मैं इत्थे गल करदा जावां मेरा हुसैन लड़िया है पूरा खानदान लड़िया है सारा खानदान शहीद होया है ज़ैनुल आबिदीन बचे ने और चंद औरतां बचियां ने लेकिन मेरे हुसैन ने सर झुकाया हुसैन डरिया हुसैन उन्हां दे अगे हथियार सुटे हुसैन उन्हां दे कोलों घबराया नहीं घबराया भुखा ते प्यासा हुसैन लड़िया करबल दे अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाह ते कहंदे कीने मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ अल्लाह अकबर अल्लाह जंग खत्म हुई हजरत हुसैन बड़ी लंबी चौड़ी बात मैं तफसील अंदर नहीं जाना गल मुख्तसर जिन्ना ने भी हिस्सा लिया जिन्ना ने नीयत की जिन्ना ने हिस्सा पाया इरादा किया सारे दे सारे लान बन गए अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत हुसैन दा सर कटिया है सर कटिया हजरत हुसैन दा इंजे कब्रतन दे अंदर रख के उबैदुल्ला बिन ज़ियाद कूफे दे अंदर बेईमान बैठा है उस दे कोले जाया गया हजरात दिल थाम के सुनने वाली बात है उस बदबख्त नो अल्लाह जाने की दुश्मनी से की वट से की वैर से हजरात मेरे हुसैन दे सर नु वेख के गालियां बकन लग गया मेरे हुसैन दे हजरत हुसैन दे खोटां ते छड़ियां पे मार दें कोल इक सहाबी खड़ा है कहंदे ओ ज़ालिमा इन्हां खोटां ते छड़ियां ना मार मैं कई दफा तक मेरा नबी इन्हां होंठां नूं चुमिया करदा मेरा नबी इन्हां होंठां ते अपने लब रखिया करदा इन्हां होंठां नूं ना मार ए बदबख्ता इस तरह दी खबासत ना कर हज़रात तवज्जो करियो नाल कहन लगे मैं कई दफा ए सुनिया है लोग कहंदे सन हजरत हुसैन दा चेहरा सब नालों ज्यादा मेरे आका दे नाल मुशाबत रखदा से ओ चेहरा नबी दे नाल मिलदा जुलदा सी उस चेहरे ते ज जुलम ते ना कर अल्लाह अकबर अल्लाह मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ जो झुकता था सर बार गाहे इला में वही कलम हो गया है करबला में बहिश्ते बरी में मकां बन रहे हैं मैं उजड़ा नहीं हूँ बसाया गया हूँ मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ हजरात नबी दी आल नाल प्यार करना मुहब्बत करना उन्हां दा एहतराम करना ए ईमान दा हिस्सा है ते हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहो जिन्हां दी शहादत एक गल होर दसो शहादत हक दे राह ते हुंदी है या बातल दे राह ते एक बंदा अगर कटिया जाए उन्दा नजरिया बातल होए
ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਤਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਗਲਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਵੇਗਾ? ਜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਕੱਟਿਆ 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 ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਦੀਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕ ਹੱਕ ਜੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛੜੀਆਂ ਪੇ ਮਾਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਆਖਿਆ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਨਹਿਰ ਫੁਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਫੇਰ ਫੁਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਨਹਿਰ ਫੁਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਫੇਰ ਫੁਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਫਸਾਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਤਰਾਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਨਾ ਨਾ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਵੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੰਜਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਹੈਦਰ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀ ਹੈਦਰ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਰਬਲ ਦੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੀ ਮੁਸੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਨਾ
वल्ला हुसैन दा। जड़ा दीन इस्लाम साढ़े तक पहुंचे है ना, दीन इस्लाम दा नूर यह असल शुरू होया है मक्के मदीने अंदर, ठीक है। शेर कहंदा है मेरे अपने जुमले ने चम, दुनिया नो जिस जगह तू मिले आए नूर है, दुनिया नो जिस जगह तू मिले आए नूर है, नगरी फातिमा दी मुहल्ला हुसैन दा, नाना सब तो सोना वल्ला हुसैन दा। यजीद नाल पूरी फौज सी, पूरी सल्तनत सी, लेकिन हुसैन दे नाल कौन सी? शेर सुनो, आके जरा तू वेख ले सांगे हुसैन दे, आके जरा तू वेख ले सांगे हुसैन दे, मुहम्मद नाल नाले अल्लाह हुसैन दा, नाना सब तो सोना वल्लाह हुसैन दा। अस्सलाम।